हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन दिसंबर का टैरो रीडिंग कर रहे हैं। अब साल का आखिरी महीना है। आई होप आपका साल बहुत ही अच्छा गया हो और आने वाला साल इससे भी अच्छा जाए। टैरो कार्ड्स आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या बोल रही है आपके जोडियाक साइन के हिसाब से, और आपको क्या चीज़ यू नो में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ से थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। तो तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। तो इस महीने जो डेक हम यूज़ कर रहे हैं वो है वर्क योर लाइट बाय ओरेकल कार्ड्स। जो इसका ऑथर है वो है रेबिका कैम्बल। तो बेसिकली इसमें आपको कोई सिचुएशन सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके करंट सिनेरियो को ही ये रिलेट करेगा, आपके प्रेजेंट सिनेरियो को। इस पर्टिकुलर मंथ में जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उसी पर फोकस कर रहा है। और या विदाउट एनी फर्दर डू वी विल गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो कि जब भी मैं वीडियोज डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। एंड वी मूव ऑन टू टॉरस यानी कि वृषभ राशि। मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स आपको बता रहे हैं कि इस महीने यू नो जो आपको मिल रहा है प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। यू नो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटीज़, ये जो रिलेशंस, जो इमोशंस आपके पास आ रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए। यू नो समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक चीज़ें आपके सामने बट यू आर सो हेजिटेंट कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे कोई न्यू रिलेशन में एंटर नहीं करना है, मेरा पास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो समवेयर देर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ। दिस मंथ इट्स टेलिंग यू गो ईजी ऑन योर सेल्फ। अपने आप को इतना स्ट्रेस मत कीजिए, अपने आप पर इतना प्रेशर मत बिल्टअप कीजिए। यू नो जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री एंड ऐसे बिलीव कीजिए कि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। यू नो आई विल सॉर्ट ऑफ डू एवरीथिंग दैट माई हार्ट वॉन्ट्स टू। सो दिस इज अ मंथ, फोकस ऑन योर सेल्फ, लेट गो ईजी, यू नो जस्ट काम योर सेल्फ डाउन एंड एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास आ रहा है। बेसिकली एस ऑफ कप्स आपको वो बता रहा है। जो सेकंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है इस महीने अपना काफ़ी सारी चीज़ें अपने प्लेटर पे ले रहे हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अगर आप वर्क कोई जॉब पे हो, आपको तीन चार प्रोजेक्ट्स एक साथ मिले हुए हैं, या आपका कोई बिजनेस है, आपको यू नो काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली एक साथ कर रहे हो, बट ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप परफेक्ट जा रहे हो। यू नो आपको दो बारी नहीं सोचना है, यू नो यू आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड मल्टीटास्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यू आर डूइंग फाइन। यू नो हियर एंड देयर स्ट्रेस हो रहा है ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो इट्स सेइंग यू आर डूइंग रियली वेल, मल्टीटास्क आप कर पा रहे हो। यू नो चीज़ें आप बराबर हर एक पे इक्वल अटेंशन दे रहे हो, सो इट्स गोइंग फाइन। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो थर्ड कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्स। टू ऑफ वॉन्स बता रहा है अब भी ना जितना आप आगे आए हो उसके लिए भी आपको बहुत यू नो आपने प्रेशर बिल्ड करा है कि मुझे वो बेसिकली एक जैसे मेरी सारी इच्छाएं, मेरे सारे गोल्स, एम्बिशंस सब कुछ पूरे होने चाहिए। अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखो ये बता रहा है कि मुझे दुनिया मुट्ठी में करनी है। यू नो मुझे सारी वर्ल्ड की सुख चाहिए, लग्जरीज चाहिए। तो बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर हेड एंड आपके एम्बिशंस एट टाइम्स थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बट इट्स टेलिंग यू नो व्हाट यू डूइंग फाइन। जितना आप बड़ा सोचोगे उसके काफ़ी करीब पहुँचोगे। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे बट उसके काफ़ी करीब तक पहुँचोगे, और वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, यू नो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट योर सेल्फ। सो इट्स टेलिंग मी ए कि आप जो गोल्स और एम्बिशंस देख रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो इस परफेक्ट। बी मल्टीटास्क कर रहे हो इस महीने, बहुत सारा काम आप अपने ऊपर ले रहे हो। एंड सी जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी रिलेशनशिप, एनीथिंग दैट्स कमिंग योर वे दिस मंथ एक्सेप्टेड। नाउ द एंजल मैसेज। एंजल मैसेज फॉर यू इज बाउंड्रीज। यू नो दे आर टेलिंग यू वेयर यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। सो अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। Break those boundaries this month and go forward and do everything that your heart wants. It's the time to, you know, just be yourself and make yourself happy, because जब आप पीछे देखोगे आप regret नहीं करोगे, आप अपने ऊपर proud feel करोगे। So इस महीने चार step आपको आगे लेना है life के लिए। That's about it. I hope you've liked the video and stay tuned, stay connected for my upcoming videos. Thank you.